हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। गाजियाबाद जिले के मुरादानगर के गांव बसंतपुर सैंथली के शातिर किसान लीलू त्यागी ने बीते 20 साल के भीतर एक एक करके 5 परिजनों की हत्या कर दी है। जी हाँ, आपने सही सुना, 4 करोड़ रुपए की संपत्ति के लिए व्यक्ति ने इतनी सफाई से अपने परिजनों को मर्डर किया कि किसी को कानों कान खबर भी नहीं। 3 परिजनों को खुद मौत के घाट उतारा, वहीं 2 लोगों को कत्ल की सुपारी देकर तकरीबन 1.5 महीने पहले 8 अगस्त 2021 को रिटायर्ड दारोगा सुरेंद्र त्यागी को 4 लाख रुपए देकर हत्या करवाई थी। अब पुलिस ने इस मर्डर पर से पर्दा हटाया और अब उन्हें पता चला कि कैसे सिलसिलेवार तरीके से 5 लोगों का मर्डर किया गया था। जी हाँ दोस्तों, पुलिस ने लीलू, सुरेंद्र और सुपारी किलर राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। SP ग्रामीण डॉक्टर ईरज ने बताया, लीलू ने बड़े भाई सुधीर, भतीजे रेशु की हत्या सुपारी देकर कराई गई थी। वहीं अपनी भतीजी पायल और पारुल, भतीजे नीशु की हत्या आरोपी ने खुद की थी। बताया जा रहा है कि लीलू, ब्रिजेश और सुधीर के नाम 16 बीघा जमीन रजिस्टर थी। आरोपी 4 करोड़ रुपए की जमीन हड़पना चाहता था, इसलिए ये सब उसने किया। आरोपी ने अपने परिजनों की हत्या की शुरुआत तकरीबन 20 साल से पहले शुरू कर दी थी और 20 साल के अंदर उसने सब सफाया कर दिया और बड़ी सफाई के साथ उसने अपने एक एक कर सुपारी दी और हत्या करवा दी। और अब भूनी खेल सिर्फ और सिर्फ संपत्ति के लिए किया गया है। जी हाँ दोस्तों, उसने सिर्फ 4 करोड़ की संपत्ति के लिए अपने परिजनों को एक एक करके मरवा दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ आरोप से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। आपका इस शर्मसार घटना को लेकर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल देखने के साथ। धन्यवाद।